नमस्कार, SBN 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा, जो अब आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। तमाम सियासी अटकलें लग रही हैं और तमाम सियासी उम्मीदों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। 22 फरवरी 2024 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद अब फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आने वाले हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिला, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी अहम माना जाता है, अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने वाला है, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। कुशीनगर जिले से यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन आने वाले वक्त में संगमित्रा मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य, जिनकी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में काट दी थी, बदायूं से वह लोकसभा सांसद थी और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में पिता पुत्री को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया था। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि हम सियासी समीकरणों के अनुसार अपनी राजनीति को तय करते हैं। आने वाले वक्त में ये निर्धारित होगा कि आखिरकार कौन किस तरीके की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का उपचुनाव लड़ने को लेकर हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी, जिसके साथ हमारा कोई राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई नहीं है, हम कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो अवश्य लेते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि यदि स्वयं प्रसाद मौर्य फिर से शामिल होते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SBN 9 न्यूज़।